हम यजमान हमारे कुचामन फोर के जल महल में है। ये चारकोल से किले का नाम चारकोल भी बोलते हैं। ये जल महल है, बहुत लगता है जैसे कोई ऑसम यहाँ एक स्विमिंग पूल टाइप है। तो यहाँ जल महल है और आवाज बंद सी है, बहुत सुंदर है। मैं अपनी फैमिली बच्चों के साथ आई हूँ। ये है मेरे बच्चे, दिखा, हेलो दिखाओ तुम्हारा। ये मेरे साथ बच्चे हैं और मेरा बेटा, ये मेरा बेटा। और ये यहाँ के जैसे कोई पुराने जमाने में भी हम लोग जिसे बोलते हैं सीढ़ियाँ, देखिए कितनी मॉडर्न जो अभी है हमारे यहाँ उस तरह की है। बहुत ही सुंदर है, यू कैन एंजॉय इट, जस्ट ऑसम, आई लव इट। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग। ये मेरे जन्म स्थान कोलकाता से, मेरे पति देव की जन्मभूमि राजस्थान का छोटा सा कुचामन सिटी है। बहुत सुंदर जगह है, थोड़ा डिफिकल्ट है चढ़ाई वगैरह मेरे लिए तो बहुत, बट आई एम एंजॉयिंग इट ऑल। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ये कुचामन जिले के जो फोर्ट में हम लोग आए थे उसी का दीवान खास है। यहाँ पे अपने मंत्रियों के साथ वो बैठक करते थे, सलाह मशवरा करते थे। नीचे भी बहुत जो हम लोगों ने देखा खूब इंजॉय किया, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा जल महल, और ये इनका दीवान खास है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा प्लेस है। और ऐसा लगता है अभी भी पुरानी तकनीक है, मगर लगता है जैसे आज भी इसकी नक्काशी वगैरह आपको अंदर से दिखा पाई तो दिखाऊंगी। बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगता है। आई होप यू एंजॉय। ये है मारो राजस्थान, मेरे पति देव की जन्मभूमि, मेरा ससुराल। हेलो, ये इसी मैं दीवाने खास से बोल रही हूँ। ये यहाँ के प्रथम राजा जालम सिंह जी है, अभी उन्हीं दीवाने खास में है। आप अभी भी सोच सकते हैं कि अभी भी किस तरह के यहाँ डेकोरेशन है, क्योंकि हमारे यहाँ मॉडर्न सोसाइटी में अभी भी है उस तरह के। यहाँ देखिए ग्लासेस, राजा हरि सिंह जी। और अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ नक्काशी, ऊपर भी देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ है। पंखे तरह पुराने तरह का ये फैन है, आप देखिए रस्सी, पुराने आज जमाने में हवा करो तानो, देखिए वो ब्यूटीफुल। और देखिए इधर अभी भी मॉडर्न जिस तरह ग्लासेस होते हैं उनके भी के जैसे कैटरिंग सिस्टम हो, एवरीथिंग इज परफेक्ट। आई जस्ट लव इट, आई होप यू ऑल्सो। गाइज, ये वो रूम है जहाँ पे सारी रानियाँ बैठ के दरबार का नज़ारा देखती थी, वहाँ से वो बात करती थी। सिंस उन्हें अलाउड नहीं होता था कि राजाओं के सामने जाएं, तो वो लोग यहीं से बैठ के सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो या जो भी देखती, यहाँ सारा कुछ देखती थी। ये और भी खिड़कियाँ हैं, जिस किले में आए हैं उसी का जल जौहर कुंड है। जिस तरह पहले अग्नि कुंड में जैसे रानियां अगर उन्हें कोई अटैक कर देता था तो जल के, जिस तरह अगर उन्हें कोई दुश्मन न उठा ले तो वो जिस तरह मर जाती थी कुंड के, ये यहाँ का जल जौहर कुंड है। बहुत ही सुंदर है, बहुत गहरा है, अंदर तहखाना भी है। अभी तो यहाँ मधुमक्खियों वगैरह ने काफ़ी अपना राज जमा रखा है। अभी पानी नहीं है मगर ये वही जगह है, और सबसे बड़ी बात है लेकिन यहाँ कभी किसी ने अटैक नहीं किया आज तक, कभी प्राणियों को मरने या ऐसा कुछ नौबत नहीं आई, मगर फिर भी ये जगह बनाई हुई है, इसे जल जौहर बोलते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम। चित्तौड़ का अग्निकुंड, वो अग्निकुंड था, ये जल जौहर कुंड है। इट्स रियली ब्यूटिफुल, और थैंक गॉड कभी किसी को मरना नहीं पड़ा, कभी ऐसा अटैक नहीं हुआ, बट उन्होंने बनाया हुआ है और अंदर से लग रहा है जैसे सुरंग है, कहीं विदेश पहुंच जाएंगे लगता है चलते चलते, इस तरह का है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंजॉयिंग और एंजॉयिंग विद माय किड्स। यू कैन सी माय ग्रैंडचिल्ड्रन, दीज आर माय ग्रैंडचिल्ड्रन, एक तरफ का माय सन, हेलो माय ग्रैंडडॉटर, एवरीवन। पूरा बना है ये जो मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पे सारी रानियाँ पूजा करती थी, और सिंस पर्दा सिस्टम बहुत था राजपूतों इन सब के टाइम पे, तो ये एक सुरंग बनाई हुई थी जहाँ से रानियाँ आती थी इस मंदिर में और वापस अपने महल चली जाती थी पूजा करके। फ्रेंड्स, ये उसी महल का स्विमिंग पूल, आप सोचिए उस जमाने में भी राजा रानी का पर्सनल था, विशेषकर तीज त्योहारों में, इसमें अभी तो पानी नहीं है, पानी भरा रहता था और वो यहाँ अपना पर्सनली राजा रानी एंजॉय करते थे। राजा तो अकेले रानी नहीं थी, उनके बहुत सारी रानियाँ थी, इसलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ यहाँ उनकी जितनी अलग अलग रानियाँ हैं
आप देख सकते हैं अलग अलग पेंटिंग्स है यहाँ उनकी रानियों के साथ। फिर वो जब स्विमिंग पूल करके स्विमिंग के बाद थक जाते थे तो उनके बैठने के लिए आप देख सकते हैं उस जमाने में भी उन्होंने कंफर्टेबली चेयर बनाई हुई है, यहाँ वो बैठ के अपना आराम करवाते थे। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर आप देख सकते हैं। और अपने बच्चों के साथ आई हूँ इसलिए और मजा आ रहा है। हाय गाइस, ये गोल्डन महल है, यहाँ पे राजा साहब बैठते थे, ये आराम फरमाते थे। पूरी गोल्ड की है ये, दिस इज जस्ट ब्यूटीफुल। उसमें वो नरती, ये राजाओं का चेस बोर्ड था जहाँ पे ये लोग चेस खेला करते थे। पूरी जमीन पे आप लोग देख रहे हो चेस बोर्ड बनाया हुआ है। और यहाँ पे रानी जलोका है, यहाँ से वो देखती थी गेम को। बस मानना पड़ेगा राजाओं का चेस खेलने का तरीका बहुत ही मस्त था। ये है रानियों का शीश महल। आजकल लड़कियां मेकअप करती है, वो सिर्फ आजकल का नहीं है, पहले भी रानियां भी करती थी। तो यहाँ पे वो रानियां तैयार होती थी। ये पूरा रूम कांच का बना हुआ है तो वो लोग अपने आप को देख पाती थी और श्रृंगार कर पाती थी। अब हम लोग जा रहे हैं राजाओं के हवा महल में। ये इनका वॉशरूम, राजा बनने में तो मजे तो बहुत है। काश मैं भी रानी होती। मैं देखी इनका हवा महल, ये बेड तो इन्होंने रिप्लेस किया है मगर बहुत सुंदर है। मैं आपको और एक चीज दिखाती हूँ, ये अपने आप कूलर सिस्टम होता है, यहाँ पे वो पानी है और वहाँ से जो हवा आया पानी के झोंके से राजा रानी को यहाँ सहायता करती थी। बहुत ही ब्यूटीफुल है, यहाँ से सीनरी भी बहुत सुंदर है, पूरा सिटी दिखता है। बहुत ही सुंदर जगह है, इतना ही कह सकती हूँ, ड्रीम कम ट्रू, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, ये इसी किले के सैनिकों का एरिया है, यहाँ वो रहते थे, यहाँ उनके नहाने की जगह भी है, यहाँ तोप चलाने की जगह है और उनके लिए जो खाने के लिए बनाते हैं दाल बाटी चूरमा हमारे राजस्थानी, वो बना के ये स्टोर रूम उनका यहाँ स्टोर करते हैं बाटी दाल। और यहाँ देखिए चूरमा, ये काइंड ऑफ आप कह सकते हैं, देखिए उस समय जमाने में भी स्टोर करने की जगह थी। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये, यहाँ तोप चलाने की जगह है, ये पूरा सैनिक एरिया है, बहुत सुंदर है। ये गुप्त एरिया है, यहाँ पे अगर बाई चांस अटैक हो गया, राजाओं को भागने का ज़रूरत पड़ा तो ये गुप्त एरिया था। और यहाँ पे पानी स्टोर का एरिया है, 2 साल तक अगर बाई चांस पानी नहीं आया या फिर कोई घेर लिए उन लोग को और पानी नहीं मिला तो यहाँ स्टोर किया जा सकता था इस जगह। और वहाँ से सैनिक फायर कर देते बंदूक गोले एक्सेट्रा। ये हम लोग टॉप पे आ गए सैनिक एरिया के, यहीं से वो लोग बंदूकें फायर करते थे दुश्मनों पे। पूरा शहर दिख रहा है यहाँ पे। ये था मेरा राजस्थान के कुचामन सिटी के फोर्ट का ट्रिप। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, वॉच इट। और राजस्थानिया से रिक्वेस्ट करूँ, देख जो और इन्हें थारे सगड़ा इन्हें सब्सक्राइब भी कर जो और मोकला मोकला सेने आशीर्वाद। धन्यवाद।